नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है रूरल इंडिया एकेडमी। मैं हूं आपका दोस्त क्रिकेट बडी फलेंद्र प्रजापति। सो गाइस, आज के इस क्रिकेट टॉक के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच जो T20 मैच फाइनल हुआ था अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में। उस फाइनल से हमको क्या मिला, क्या चीजें हम और सीख सकते हैं, साथ ही साथ वो कौन से की प्लेयर रहे थे जो कि वॉचेबल रहे, साथ ही साथ हमने क्या चीजें मिस करी, इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मैं आज आपको शो में बताने वाला हूं ओडीआई स्क्वाड अनाउंस हो चुके हैं उसके बारे में, और शो के अंत में मैं बताने वाला हूं रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का आज जो फाइनल होना है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच जो फाइनल मैच हुआ था अहमदाबाद में उसके बारे में। तो फाइनल जैसा कि सब जान रहे हैं इंडिया ने मैच जीत लिया है। थ्रिलर मैच था, बहुत ही शानदार मैच था। एक समय पे ऐसा लगा जब डेविड मिलान और जॉस बटलर बैटिंग कर रहे थे कि हम अब मैच हार सकते हैं, लेकिन भुवनेश्वर कुमार का वो ओवर टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। लेकिन ये भी नहीं भूलना होगा कि हमने रोहित शर्मा की कैप्टनसी देखी आफ्टर 10 ओवर के बाद, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। तब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड टीम वाले कहीं ना कहीं कोस रहे होंगे कि हमारे पास भी दो कैप्टन होने चाहिए थे जैसे कि इंडिया टीम के पास है। लेकिन बहुत ही शानदार टीम वर्क, मैं ऐसा कहूँगा, जिस प्रकार की जो इंटेंसिटी नज़र आई है टीम इंडिया में, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कप जो भारत में होने वाला है उसको ध्यान में रखकर किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे ओपनिंग पेयर के बारे में। तो गाइस, हमने देखा था ओपनिंग पेयर में विराट कोहली और रोहित शर्मा को आते हुए, और अनाउंस भी हो गया है कि आने वाले वर्ल्ड कप में विराट कोहली ही ओपन करने वाले हैं और IPL में भी वो ओपन करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा गेस्चर है। ओपनिंग की ये समस्या सॉल्व हो चुकी है। यदि आपने ये कंसिडर कर लिया कि राहुल का जो फॉर्म है वो बिल्कुल भी लैक कर रहा है, हम उनको दूसरे फॉर्मेट में मौका देकर आसानी से उनका फॉर्म पा सकते हैं, तब मुझे लगता है कि विराट कोहली द्वारा बहुत ही अच्छा गेस्चर है और अच्छा मूव है, इसको स्वागत करके देखना चाहिए। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं रोहित शर्मा के बारे में। क्या नॉक थी, 37 गेंद में 64 रन, बहुत ही शानदार नॉक थी। और ये इस चीज की जो जरूरत थी वो बहुत दिनों से टीम इंडिया को थी। एक फायर पावर जो स्टार्ट था वो मिलना चाहिए था। रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चल रहा था। अंततः जैसा कि रोहित शर्मा का पोस्चर होता है कि वो बड़े मैच के प्लेयर हैं, वो बड़े मैच में परफॉर्म करते हैं, वैसा ही जैसा नाम वैसा काम उन्होंने करके दिया। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव थोड़ी सी जल्दबाजी कर गए, वो और अच्छे से इनिंग बिल्ड कर सकते थे। इससे पहले वाले शो में हमने चर्चा की थी कि कैसे गेम फिनिश करने आना चाहिए, ये सूर्य कुमार यादव को विराट कोहली से सीखना चाहिए। और यदि उनको गेम फिनिश करने आता तो निश्चित तौर पे आज भी हम सूर्य कुमार यादव का एक इंटरनेशनल 100 देख सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर से हमें 100 देखने को नहीं मिला, जिस प्रकार के वो प्लेयर हैं। और सूर्य कुमार यादव के बारे में एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी, हमने अपने शो में ये कहा था कि वो ODI टीम में जगह बना रहे हैं। निश्चित तौर पर ODI जो टीम है उसका जो स्क्वाड है वो अनाउंस हो चुका है, और सूर्य कुमार यादव, कृणाल पंड्या ने अपनी जगह बना ली है। साथ ही साथ प्रसिद्ध कृष्णा, साथ ही साथ कृणाल पंड्या के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, एक अच्छे लेफ्ट आर्म बॉलर है, साथ ही साथ एक अच्छे लेफ्ट आर्म बैट्समैन भी है। हाल ही में जो संपन्न हुई विजय हजारे ट्रॉफी, उसमें काफ़ी अच्छा इस रन स्कोर किया था और छत्तीसगढ़ के खिलाफ एक मैच विनिंग पारी खेली थी 133 रन की, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। और उस टोटल को जो छत्तीसगढ़ की जो टीम थी वो चेस नहीं कर पाई, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का जो विजय हजारे जो ट्रॉफी था उसी के बलबूते पर टीम इंडिया में जगह बनाई है कृणाल पंड्या ने। बहुत ही शानदार मुझे लगता है कि ये चयन होना चाहिए, एक लेफ्टी का टीम में होना और एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो मुझे लगता है कि सेलेक्टर्स ने इन चीज़ों का ध्यान रखा है, ODI टीम का जब स्क्वाड अनाउंस किया है, तो मुझे लगता है कि इन प्लेयरों को ज़रूर मौका देना चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम विराट कोहली के बारे में। इनके बारे में शब्द कम पड़ जाते हैं जब कभी भी हम चर्चा करते हैं कि गेम फिनिश कैसे करना है, इनिंग्स बिल्ड कैसे करना है, पारी को कैसे संवारना है। ये सारी चीज़ें एक एग्जाम्पल के रूप में सारे जो प्लेयर हैं वो सीख सकते हैं, और एक अच्छा रोल मॉडल है, एक अच्छा मूव है, कहा जा सकता है कि विराट कोहली जैसे बड़े प्लेयर आपको परफॉर्म करके दे रहे हैं और टीम को उस स्तर पर ले जा रहे हैं जहां पर हम हार का सामना नहीं कर सकते और हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं कि हम सीरीज जीतने वाले हैं, चाहे हम पिछड़ ही क्यों ना रहे हों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डेविड मलान के बारे में। एक समय पर इस प्लेयर ने एक ऐसा
जो छाप छोड़ा था कि लग गया था कि मैच जो है वो डेविड मरान और जॉस बटलर आसानी से उड़ा ले जाएंगे, लेकिन फिर से मैं जैसे कि मैंने कहा था कि भुवनेश्वर कुमार का वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। कहीं मुझे लगा कि राहुल चहर से थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट मिली कि वो गेंद जो है वो आगे करने से कतरा रहे थे, थोड़ी सी शॉर्ट बॉल वो फेंक रहे थे जिसके चलते उनको आज पिटाई और मार पड़ी। तो सीखना उनका काम है, वो सीखते जैसे जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते जाएंगे और उनमें निखार आती जाएगी। तो मैं बैक करूंगा राहुल चहर को, कोशिश करूंगा कि यदि आपने वर्ल्ड कप को ध्यान में रखा है तब दो लेग स्पिनर, एक राहुल चहर और एक युजवेंद्र चहल को आप शामिल कर सकते हैं। सो गाइस, T20 जो सीरीज है वो अब ओवर हो चुकी है, अब इसमें हम बात करने वाले हैं कि क्या हमको मिला और क्या हमको नहीं मिला। तो सबसे पहला सवाल आता है कि मिडिल ऑर्डर का जो प्रॉब्लम था क्या वो सॉल्व हो चुका है। सो गाइस, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा कि इस सीरीज से क्या मिडिल ऑर्डर का जो प्रॉब्लम था टीम इंडिया का क्या वो सॉल्व हो चुका है, सूर्य कुमार यादव उस जगह में फिट बैठते हैं कि नहीं। आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपकी क्या राय है। दूसरा मैं सवाल करना चाहूंगा दोस्तों आपसे कि क्या बॉलर्स अप टू द मार्क थे इस स्टैंडर्ड के बॉलर में, क्या हमको लग सकता है कि हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। मत भूलिए कि हम प्रिपरेशन ऑफ वर्ल्ड कप कर रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड कप भारत में ही होने वाला है। बुमराह ने भी टीम में आना है और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की भुवनेश्वर कुमार ने, जैसा कि हमने पहले अपने क्रिक टॉक के एपिसोड में कहा था कि इनके बारे में अभी कमेंट करना हम जरूरी नहीं समझते क्योंकि ये बड़े मैच के प्लेयर हैं और आपको बड़े मैचेस में परफॉर्म करके देते हैं। तो गाइस, अब हम बात करेंगे ODI जो स्क्वाड अनाउंस हुई है उसके बारे में। जैसा कि हम बता रहे थे कि T20 और ODIs की जो सीरीज है वो 5 मैचेस की T20 सीरीज थी और 3 मैचों की ODI सीरीज है। इसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन से भी वो जो प्लेयर हैं वो अपनी टीम में जगह बना रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि प्रसिद्ध कृष्णा को भी जैसा सूर्य कुमार यादव ने परफॉर्मेंस किया वैसा ही परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब शो में हम बात करने वाले हैं रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के बारे में जो कि खेला जा रहा है रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। फाइनल होने वाला है इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच। जैसा कि हमने अपने सेकंड एपिसोड में कहा था क्रिक टॉक के कि निश्चित तौर पर श्रीलंका जो है वो डोमिनेट कर रही है और फाइनल में जगह बना सकती है, हुआ कुछ वैसे ही। और आज का जो संडे का जो मैच है रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का रायपुर में, उसको आप जरूर वॉच कीजिएगा। हम आपको बता दें कि हाल ही में जब मैच हुआ था इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच, उसमें 218 रन बने थे और चेस करते हुए वेस्ट इंडीज ने 208 रन लगभग उसके आसपास बना लिए थे। तो काफ़ी हाई स्कोरिंग और बहुत ही अच्छे मैचेस हो रहे हैं गाइस, आप जरूर फॉलो कीजिएगा। इनमें आप फॉलो कर सकते हैं सचिन तेंदुलकर को, हाल ही में 50 जमाया, और युवराज सिंह, उनके तो क्या कहने, लगातार छक्के ऊपर छक्के बरसा रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि रायपुर का जो ग्राउंड है वो उनको भाग गया है, उनको कहीं ना कहीं किंग्स मीड नजर आ रहा है और लगातार वो छक्के लगा रहे हैं। जरूर वॉच कीजिएगा दोस्तों। सहवाग ने पहले मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था लेकिन उसके बाद फॉर्म थोड़ा लैक हुआ है। आज फाइनल है तो मुझे उम्मीद है कि उनसे एक अच्छी पारी देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी ओर श्रीलंका की टीम में तिलक रत्न दिलशान है, रंगन हैरत और जयसूर्या, उपुल थुरंगा जैसे बड़े बड़े दिग्गज हैं। उपुल थुरंगा ने भी रन बनाया है, TM दिलशान ने भी बहुत ही शानदार रन बनाया है। बल्ले से रन यदि नहीं निकले तो जयसूर्य का, यदि आज के मैच में जयसूर्य चल जाते हैं तो निश्चित तौर पर फाइनल जो है वो काफी इंटरेस्टिंग होगा। जैसा कि मैच हमने कल देखा था वैसा ही इंटरेस्टिंग मैच आज हमको देखने को मिल सकता है दोस्तों, तो जरूर उसको वॉच कीजिएगा। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा ये भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ हमारे पास जो नॉलेज है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं, आपके पास जो नॉलेज है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप करके शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और क्रिकेट प्रेमियों तक जरूर पहुंचाइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।